भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। टुडे इन दिस क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हमने सीख लिया, लेकिन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का ही सीखा। जहाँ पे इंटरवल आ जाए उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। जहाँ पे इंटरवल आ जाते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यू सीरीज। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यू सीरीज बोलते हैं जहाँ पर इंटरवल आ जाए। तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। तीन तरह की सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज जहां पे सिर्फ x की वैल्यूज गिवन होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज जहां पे x और f की वैल्यूज गिवन होती हैं, लेकिन अगर x की जगह इंटरवल आ जाए वो कॉन्टिन्यू सीरीज हो जाती है। जैसे ही मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, ये तीनों सीरीज अच्छे से समझाई थी, तभी आप स्टार्ट अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम कॉन्टिन्यू सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कॉन्टिन्यू सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक ही मेथड है, ध्यान से देखो। दैट इज बहुत सिंपल, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट। दैट इज क्या आएगा जल्दी से बताओ, यहाँ पे समीशन आएगा। हमने जैसा मेथड डिस्क्रीट इंडिविजुअल में किया वैसे ही कर रहे हैं। देखो कैसे, एफ डी डैश यहाँ पे स्केयर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्केयर। बिल्कुल लास्ट क्लास वाला ही फॉर्मूला है, बस डी की जगह मैंने डी डैश डाल दिया। ध्यान से देखो, बिल्कुल जो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला करवाया था वही फॉर्मूला है, जस्ट मैंने डी की जगह डी डैश लगाया, वही फॉर्मूला है। इस मेथड का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है, स्टेप डेविएशन मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी मेथड से हम सारे कंटिन्यू सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अब ध्यान से देखो, यहां पे डी डैश है क्या, दैट इज एक्स माइनस ए अपॉन आई। यहां पे मार्क्स नंबर स्टूडेंट्स कर देते हो, ठीक है, एक्स माइनस ए अपॉन आई। अब ये वाला पोर्शन तो वही है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, वही, बस डी की जगह डी डैश आया। एक और चेंज होता है इसमें, इनटू आई साथ में आता है, बस इतना छोटा सा चेंज है। दो चेंजेस है, एक डी की जगह डी डैश लिखते हैं और एक इनटू आई बाहर लिखते हैं, ये चेंज है। अब डी की जगह डी डैश आया, डी डैश होता क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन आई। पहले बताओ फॉर्मूला क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। आपने हेडिंग क्या देनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यू सीरीज, ठीक है, जहां पे इंटरवल्स होते हैं वहां पे एक ही मेथड लगता है, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं एक ही करवाती हूँ, इसमें इससे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एफ डी डैश स्केयर बाय एन माइनस एफ डी डैश बाय एन का होल स्केयर। सारा फॉर्मूला सेम है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, बस डी की जगह डी डैश और इंटू आई इस पूरे फॉर्मूला के साथ आएगा। आई क्या है मैं बताती हूँ, डी डैश कैसे निकलते हैं, डी तो था एक्स माइनस ए, डी क्या था, एक्स माइनस ए। डी डैश का मतलब है कि एक्स माइनस ए के नीचे आई भी लगाना है, ठीक है, ये सारी क्लियर है चीज। अब आगे देखो, फॉर्मूला तो क्लियर हो गया हमें, है ना, फॉर्मूला इज दिस। नाउ अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, आई है क्या, आई मतलब ये जो इंटरवल है इनकी लेंथ कितनी है, मतलब इनमें डिफरेंस कितना है। 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 10 का, 20 से 30 में भी 10 का डिफरेंस है, 30 से 40 के में भी 10 का डिफरेंस है। तो आई यहाँ पे वो डिफरेंस होगा जो इन इंटरवल्स के बीच में होगा, समझ आई चीज। आई क्या होगा, वो डिफरेंस होगा जो इन इंटरवल्स के बीच में होगा। एक्स आपको पता है, अभी हम मिड वैल्यूज निकाल लेंगे, ए एज्यूम मीन सब समझाऊंगी, बिल्कुल एक एक स्टेप क्वेश्चंस में करेंगे, पर पहले आप इस फॉर्मूला को नोट कर लो। कर लिए फॉर्मूला नोट, करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड है ये एंड दिस इज द फॉर्मूला। करते हैं स्टार्ट, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहला काम इंटरवल्स नोट करते हैं, दैट इज 10 से 20, 20 से 30 कहां तक जाना है, 80 तक। आप भी नोट करो फटाफट से मेरे साथ साथ, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70 एंड हमें 80 तक जाना है। मैंने सारे इंटरवल्स लिख लिए। अब आपने यहाँ पे x का कॉलम बनाना है, इसको x नहीं बोलना इंटरवल्स को, आपने यहाँ पे x का कॉलम बनाना है। x का मतलब ये होता है कि आपने इसकी मिड वैल्यूज लिखनी है। क्या लिखनी है x का मतलब, यहाँ पे मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज कैसे आते हैं, देखो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 30 बाई 2, दैट विल बी 15। तो
x कैसे निकलता है, मिड वैल्यू से निकलता है। x कैसे निकलता है, मिड वैल्यू से निकलता है। अगर इंटरवल्स हैं, x आप मिड वैल्यू से निकालोगे। 20 से 30 की मिड वैल्यू 25 आएगी, कर लेना। 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 50 बाय 2, 25। वैसे देखने से ही पता लग रहा है 30 और 40 के बीच में 35, ये 45, 55, 65, 75, ये x निकालना समझ आ गया। आगे चलें, ये x की बात होगी, अब आगे चलते हैं। अब हमने इंटरवल से x निकाल लिया, फ्रीक्वेंसीज वही नोट करनी है जो क्वेश्चन में दी गई है, इसमें कोई चेंज नहीं। 5, 12, 15, 20, 10, 4, 2, फ्रीक्वेंसीज एज इट इज नोट की है, बस मैंने इंटरवल से मिड वैल्यूज निकाल ली ताकि मेरे पास x आ जाए। स्टेटमेंट ठीक नोट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे फॉर्मूला ठीक हो लेकिन आपने स्टेटमेंट गलत उतारी है तो क्वेश्चन कैसे ठीक होगा। ठीक है, तो ये एक्स एफ निकल गया, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन अब कैलकुलेट कर लूँगी। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगी, ठीक है। फॉर्मूला के बाद फिर हम देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए। ध्यान से देखना, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ डी डैश स्क्वायर बाय एन, दैट विल बी समीशन एफ डी डैश बाय एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, डी डैश इज एक्स माइनस ए अपॉन आई एंड आई इज लेंथ। ठीक है, ये सब मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे चाहिए डी डैश एक्स माइनस ए अपॉन आई। पहले समीशन्स पे जाते हैं ना, तो समीशन में क्या क्या है, देखो समीशन में एफ डी डैश का स्केयर है, समीशन में एफ डी डैश है, समीशन हटाओ, पहले मुझे एफ डी डैश स्केयर का कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ डी डैश का कॉलम बनाना पड़ेगा, इनके कॉलम्स बनाऊंगी तभी इनका सम निकलेगा। पहले आप फॉर्मूला से हमेशा समीशन वाली चीज़ें निकाल लो, समीशन में एफ डी डैश स्केयर है उठा लिया, समीशन में एफ डी डैश है उठा लिया, मुझे टेबल से इनके समीशन वाले कॉलम बनाने पड़ेंगे, एफ डी डैश का स्क्वायर एफ डी डैश। ठीक है, एफ तो है मेरे पास, डी डैश स्केयर और डी डैश का कॉलम बनेगा तभी तो मैं एफ डी डैश स्केयर और एफ डी डैश निकाल पाऊंगी। समझ आई चीज, इनके कैसे बनेंगे कॉलम, कैसे बनेंगे एफ वाले कॉलम को डी डैश स्केयर वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब मुझे यहाँ पे डी डैश का कॉलम चाहिए तभी ये एफ डी डैश स्क्वायर बन पाएगा, राइट। अब डी डैश कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए अपोन आई, बहुत आराम से फॉर्मूला से चीजें निकालते जाओ। क्या है डी डैश, एक्स माइनस ए अपोन आई, एक्स है मेरे पास बिल्कुल है, ए मेरे पास नहीं है, आई है लेंथ दैट इज 10, मतलब मुझे एक्चुअली पहले ए निकालना पड़ेगा। समझ आई चीजें, बहुत सिंपल है। अब ए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, ए है एज्यूम्ड मीन, क्या है एज्यूम्ड मीन, ये मीन निकालते हैं हम, फिर उसके पास वाली वैल्यू ढूंढते हैं, हमें क्या मिल जाता है, एज्यूम्ड मीन मिल जाता है। पहले बताओ यहाँ मीन निकालना आता है आपको, बहुत सिंपल है, एक्स और एफ अगर आपके पास हो क्या आप मीन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, दैट इज समीशन एफ एक्स बाय एन, ऐसे मीन निकाल सकते हो ना, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स बाय एन। तो पहले मीन निकाल लेते फटाफट ताकि मुझे ए मिल जाए, ए से डी डैश मिल जाएगा, मेरा काम ईजी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आराम से चीजों को समझो, नहीं आया दोबारा रिपीट पे सुनो, लेकिन ध्यान से एक चीजों को समझो, नहीं तो मैं फटाफट क्वेश्चन करवा के जा सकते हो, लेकिन आराम से समझो। ठीक है, तो पहले एक्स बार निकालते हैं मीन, क्योंकि मीन निकलेगा तभी एज्यूम्ड मीन का पता लगेगा। मीन का फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स बाय एन, ये लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था। समीशन एफ एक्स के लिए पहले मुझे एफ एक्स का टेबल चाहिए, ध्यान से देखो, दैट इज एक्स बार निकालने वाली हूँ, समीशन एफ एक्स बाय एन। अब आपने फटाफट क्या करना है, मुझे एक्स और एफ को यहाँ मल्टीप्लाई करके दो, ठीक है, यहाँ एफ एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएंगे, और इनका सम निकाल लो ताकि मुझे समीशन एफ एक्स मिल जाए। एक काम और, मुझे n भी चाहिए, तो आप फ्रीक्वेंसीज का भी सम निकाल लो फटाफट से ताकि मुझे n भी मिल जाए। n कैसे मिलता है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। क्लियर है चीज, हाँ जी, डन विद द समीशन एफ एक्स एंड n, हो गया आंसर आ गया। अगर नहीं आता तो वीडियो पॉज कर ले करो, जब तक आप खुद कैलकुलेट करके एक चीज ना निकालो तब तक मेरे साथ आगे नहीं चलना, ठीक है। अब x बार क्या है, समीशन एफ एक्स बाय n, समीशन एफ एक्स इज 2760, एन मेरा कितना है 68, मैंने इसको अभी डिवाइड करके देखा है, मेरे पास 40.5 आ रहा है, इसको डिवाइड करके आप भी एक बार चेक कर लो,
आ रहे हैं, मतलब मेरे पास x बार कितना आ गया 40.5। अगर आपकी कैलकुलेशंस मेरे साथ साथ नहीं हो रही है, वीडियो को पॉज कर दो, आपके पास कंट्रोल है, लेकिन जब तक मेरे स्टेप तक ना पहुंच जाओ आगे मत चलने दो, मेरे को वीडियो को आगे मत चलने दो, पहले आप यहां तक पहुंचो। देखो आपका 40.5 आ रहा है, देखो 40.5 आ गया मेरे पास, मेरा मीन 40.5 आ रहा है। अब x में चेक करो कि 40.5 के पास कौन सी वैल्यू है। देखो 45 वैल्यू है, 35 वो आप देखो 35 40.5 से दूर है, 45 उसके पास है, ये बात समझ आ रही है। 40.5 और 45 में सिर्फ 4.5 का फर्क है, और 40.5 और 30 में 5.5 का फर्क है, जिसमें कम फर्क हो उसको उठाना है। 40.5 45 के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू 35, तो मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 45 लेने वाली हूँ। ये बात क्लियर हुई कि नहीं मुझे बता दो फटाफट से। और वैसे भी देखो ऊपर से तीन टर्म्स छोड़ी, नीचे से तीन टर्म्स छोड़ी, देखो सेंटर वाली टर्म ही बन रही है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया, मैंने ए क्या लिया 45 लिया, ये बात क्लियर है। अब आपको क्या, मैं मीन निकालने की क्या जरूरत है, हम बिल्कुल एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं। देखो यहाँ से भी आपके पास मिड वाली टर्म ही आ रही है, तो मीन निकाल के चेक कर लोगे तो बेटर है। चले आगे, नाउ ए कितना है मेरे पास 45 आ गया। अब डी डैश निकालते हैं, डी डैश क्या होता है, दैट इज एक्स माइनस ए अपोन आई। अब ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब ध्यान से, एक्स माइनस ए अपोन आई, एक्स कितना है 15, ए कितना है 45, I कितना है, I is इसका डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 10 का, नीचे 10 आ जाएगा। 15 माइनस 45 कितना होगा जल्दी से बताओ, दैट विल बी माइनस 30 हो जाएगा, नीचे कितना है 10, ये कैंसिल, आंसर कितना बचेगा माइनस 3। तो डी डैश जो पहला है वो माइनस 3 बना। सेकेंड देखो डी डैश क्या होता है, x माइनस ए, 25 माइनस 45 अपॉन 10, दैट विल बी माइनस 20 अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया माइनस 2। तो सेकेंड डी डैश क्या आएगा माइनस 2। थर्ड डी डैश क्या रहेगा, 35 माइनस 45, दैट विल बी माइनस 10, माइनस 1 जब 10 से डिवाइड होगा, ये दैट विल बी 0, दैट विल बी 1, 2 एंड दैट विल बी 3। ये चीज़ क्लियर है, दिस इज द डी डैश। देखने में लगता है मुश्किल है कि मैम माइनस भी करना है डिवाइड भी करना है, पर एक्चुअली में है ईजी, क्लियर है चीज़। अब आगे देखो, मुझे चाहिए एफ डी डैश, चलो फिर निकालते हैं एफ डी डैश। F को D डैश से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा, F के कॉलम को D डैश ही कॉलम से करो, माइनस 15, 0, 10, 8, दैट विल बी 6, मैंने सारे F को D डैश से कर दिया, क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, समीशन F D डैश निकाल लेंगे, और मुझे क्या चाहिए, एफ डी डैश का स्क्वायर, एफ डी डैश का स्क्वायर। अगर मुझे एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए तो पहले मुझे डी डैश स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर एफ से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। चलो फिर करते हैं फटाफट से, मैं ये रब कर रही हूँ यहाँ पे, अब तो आपको पता लग गया हमें चाहिए क्या क्या, तो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो पहले डी डैश का स्क्वायर 9410149, सबका मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, 3 3 9, 2 2 4, लेकिन माइनस प्लस में चेंज हो गए। अब निकालो एफ डी डैश का स्क्वायर, क्या निकालेंगे हम, एफ डी डैश का स्क्वायर, ये रहा मेरे पास एफ और ये रहा डी डैश का स्क्वायर, 5 × 9 = 45, 12 × 4 = 48, ऐसे करते करते सारे आपने करने हैं, 15 × 1 = 15, 0 × 10, 4 × 4 = 16, 9 × 2 = 18, इसका सम कर दो आपको एफ डी डैश स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द टेबल, क्या ये टफ है। अब इनके आप फटाफट से सम निकालो, फॉर्मूला में पुट करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, जल्दी से सम निकालो इसका भी और इसका भी, जल्दी से। हाँ जी डन, मैं इसको यहाँ तक रब कर रही हूँ, जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, आई होप आपने टेबल बना लिया होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी डैश, में भूल गई बताओ जल्दी से, एन स्क्वायर आगे बताओ इन टू आई, ठीक है। अब आगे देखो,
यहाँ वैल्यू डालते हैं अंडर रूट समीशन एफ डी डैश स्क्वेयर. मेरे पास क्या है 152. आई होप आपके पास भी यही आया होगा. एन इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ओ नो, एन इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मैंने रब कर दिया. बताना क्या आया, मैं चेक करती हूँ, आप भी बताओ. एन इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 68 माइनस समीशन एफ डी डैश दैट इज माइनस 30 अपॉन 68 का होल स्केयर इंटू आई. ये रूट के बाहर होता है एंड आई इज 10. ये चीज क्लियर है. सारी वैल्यूज डाली है बस. दैट विल बी अंडर रूट 152 को डिवाइड कर दो दैट इज बाय 68 यू विल गेट 2.235. मेरे पास यही आंसर आ रहा है. माइनस 30 का स्क्वायर, ये तो बहुत ईजिली कर सकते हैं. स्क्वायर करेंगे पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं. 30 बाय 68, 30 डिवाइड बाय 68 विल बी 0.441 आ रहा है मेरे पास. आपके पास भी यही आ रहा होगा. करना 30 को 68 से डिवाइड. आगे देखो दैट विल बी 2.235 माइनस नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बन जाएगा. ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट कर दिया. इसका स्क्वायर करते हैं 0.441 into 0.441 दैट विल बी 0.1944. नाउ दैट विल बी माइनस कर दो इसको 2.235 माइनस 0.1944. देखो क्या आ रहा है आपके पास. मेरे पास 2.040 आ रहा है. ठीक है, अब इसका रूट ले लो. रूट ऑफ 2.040 दैट विल बी 1.4282 आ रहा है मेरे पास रूट. और ये साथ है हमारा इंटू 10 भी चल रहा था. ये भी लिखो साथ में इंटू 10 रूट के बाहर. इंटू 10 ये रूट के बाहर चल रहा था. ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा दैट विल भी आगे शिफ्ट हो जाएगा. 14.282 आंसर आ रहा है हमारा. बताओ आपके पास ये आ रहा है 14.282. दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन. ये आए बस एक्स्ट्रा हुआ है और डी की जगह डी डैश. फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज वाला ही है. कंटिन्यूस में दो फर्क आए, एक डी डैश और एक आई का. क्लियर है चीज. ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया. अब इसके बाद अच्छा ये कैलकुलेटर यूज नहीं करना. मैं हर क्लास में बता रही हूँ आपको, जो ग्रोसरी शॉप्स पे यूज होते हैं सिंपल कैलकुलेटर वो यूज करना है. मैं इसलिए यूज करती हूँ, मुझे यहाँ पे इसे कैरी करना इजी लगता है बोर्ड पे. चलिए भाई आगे देखो. ये क्वेश्चन तो हो गए कि क्वेश्चन करवाने हैं, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो. कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको कंटिन्यूस सीरीज में इंटरवल ठीक नहीं बना के दिए होते. जैसे मान लो 30 से चलो फिर ऐसे करते हैं 31 से 35, फिर 36 से 40, फिर 41 से 45, ऐसे इंटरवल्स बनाए होते हैं. यहाँ बात 35 पे खत्म हो रही है, आगे 36 से शुरू हो रही है. ऐसे इंटरवल्स हमें नहीं चाहिए होते. हमें इंटरवल ऐसे चाहिए होते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कि जहाँ पे बात खत्म हो रही है 20 पे आगे भी 20 से ही शुरू होनी चाहिए. ऐसे इंटरवल्स हमें चाहिए होते हैं. ऐसे नहीं कि 35 पे बात खत्म हुई फिर 36 से शुरू करो, नहीं ऐसे चाहिए होते हमें इंटरवल्स, ऐसे नहीं चाहिए होते. तो पहले इन इंटरवल्स को आपको सही करना होता है, फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे. सही कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है. इसमें से 0.5 माइनस करते हैं और इसमें से 0.5 ऐड करते हैं. पहले वाले में 0.5 माइनस करते हैं, बाद वाले में 0.5 ऐड करते हैं इन इंटरवल्स को ठीक करने के लिए. तो क्वेश्चन तो सेम फॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा, पहले इंटरवल्स ठीक किए जाते हैं. जैसे 31 है इसमें 0.5 सबट्रैक्ट करोगे 29.5, इसमें 0.5 सब ऐड करोगे दैट विल बी 35.5, इसमें सबट्रैक्ट करोगे 35.5 दैट ऐड करोगे इसमें 40.5, इसमें सबट्रैक्ट करोगे 40.5 इसमें ऐड करोगे 45.5. जैसे आप पहले वाले से 0.5 ऐड सबट्रैक्ट करोगे दूसरे वाले में ऐड करोगे ये इंटरवल्स ठीक हो जाएंगे. देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम हो गया 35.5 35. फ्रीक्वेंसीज को कुछ नहीं कहना, वो एज इट इज नोट करेंगे. अब आपका क्वेश्चन तैयार है करने के लिए. जैसे मैंने आपको समझाया सेम वैसे ही करना है. आई कैसे निकलेगा, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर ले लो. 35.5 माइनस 29.5, अगर आपको नहीं पता लग रहा कितना डिफरेंस है, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर लो, आपको कैलकुलेटर पे आई की वैल्यू डिफरेंस भी पता लग जाएगा. क्लियर है जी, क्वेश्चन क्लियर है. तो ये मेरे को बात बतानी थी कि अगर इंटरवल सही नहीं है तो उसको सही कर लो. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन. एक कंबाइंड डाटा वाला इसमें टॉपिक रहता है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वो मैं करवा दूंगी. इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.